हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोज़ाना। IRCTC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में ढेर सारा चेंजिंग कर दिया है। अब हम नए साइट से ये देखेंगे कि PNR नंबर से एजेंट के जैसा टिकट डाउनलोड कैसे करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाला हूँ कि आप एजेंट के जैसा अपना टिकट प्रिंट आउट कैसे करेंगे। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे यूज कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे, अगर आप लैपटॉप को यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और उसमें टाइपिंग करेंगे पहले आप IRCTC.co.in टाइपिंग करके इंटर करते ही आपके सामने में कुछ इस तरीके से IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करते ही पहले आपको यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। तो लॉगिन होने के लिए लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना यूज़र नेम, यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल और इसके नीचे कैप्चा होगा, इसको दो बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद इसके नीचे आपका कैप्चा आ जाएगा, कैप्चा आपको यहाँ पर डाल देना। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो कैप्चा को रिफ्रेश करेंगे और कैप्चा यहाँ पर डाल के साइन इन कर लेना है। तो आप इस पे अकाउंट नहीं बनाए हुए हैं तो मैं इस पे वीडियो बना रखा हूँ, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में डाल दूँगा, जहाँ से जाके आप बहुत ही आसानी से IRCTC पे अपना अकाउंट बना लेंगे। अगर आप इसी से यहीं से बनाना चाहते हैं तो रजिस्टर वाले पर क्लिक करके भी आप बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले से बना रखे हैं तो हम यहाँ पे अपना यूज़र नेम डाल देते हैं, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल देते हैं। इसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर डालने के बाद यहाँ साइन इन पर ओके करेंगे। ओके करते ही आपके सामने IRCTC का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ वेलकम मेरा नाम आ चुका है और यहाँ पर मेरा अकाउंट आ चुका है। तो IRCTC ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में ढेर सारा चेंजिंग कर दिया जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो यहाँ पर इसका नया लुक आप देख लीजिए, अगर आप पुराने कस्टमर हैं तो ये आप खुद यहाँ पर देख रहे होंगे कि IRCTC ने किस तरीके से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में ढेर सारा चेंजिंग कर दिया है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एजेंट के जैसा आप अपने टिकट को कैसे प्रिंट निकालेंगे। तो इसके लिए यहां पे माय अकाउंट पर जाएंगे, माय अकाउंट पर जाने के बाद यहां पर देख रहे हैं कि माय ट्रांजैक्शन पर जाएंगे। इसके बाद यहां पर देख रहे हैं कि बुक्ड टिकट हिस्ट्री, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पर देखिए कि आपका यहाँ पर टिकट जो है आ चुका है, जो आप बुक किए हुए हैं। इसके लिए सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके टिकट का पूरा बायोडाटा यहाँ पे आ जाता है। अब आप यहाँ से बहुत ही आसानी से इसको देख सकते हैं। यहाँ से आप PNR स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, गेट SMS पे जाके यहाँ से गेट SMS का भी ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो हम एजेंट के जैसा टिकट निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इस साइट में आइएगा और यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि नया साइट जो है IRCTC का, यहाँ पे इस ये ऑप्शन है, पहले कुछ और ही ऑप्शन यहाँ पे होता था। तो एजेंट के जैसा टिकट को प्रिंट आउट करने के लिए आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो PNR नंबर इसके बगल में जो ऑप्शन यहाँ पर, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पर देखिए कि इस तरीके से आप जो एजेंट है इस तरीके से टिकट प्रिंट आउट करके देता है। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन है प्रिंट का, तो इस तरीके से आपको प्रिंट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर आप प्रिंट वाले पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आप देखिए आपका टिकट यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आप इसको सेव भी करके रख सकते हैं। सेव करने के लिए आप कोई भी यहाँ पे जो डेस्कटॉप है चूज कर सकते हैं या कोई भी फोल्डर, चलिए हम डेस्कटॉप ही चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं टाइपिंग कर देता हूँ टिकट, टिकट टाइपिंग करके हम यहाँ पे इसको सेव करके रख लेता हूँ। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप एजेंट के जैसा टिकट को आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो डायरेक्ट जो प्रिंट वाला ऑप्शन था मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, स्क्रॉल डाउन करके ऊपर आइए, यहाँ पर देखिए प्रिंट है, प्रिंट पर क्लिक करते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में या कोई भी आपका डेस्कटॉप है उसमें अगर प्रिंटर लगा हुआ है तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो मैं आपको ऑप्शन दिखाया, इस तरीके से आपको सेव कर लेना है लैपटॉप में और आप उसको मोबाइल में या पेन ड्राइव है उसमें आपको ले आके साइबर कैफे या शॉप पे आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ।